ब्रह्मपुत्र बेसिन। यह बेसिन पर्वती नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित है। इस बेसिन की प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र है, जो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट एक हिमनद से निकलती है। यह नदी तिब्बत में सांगपो और असम में दिहांग के नाम से जानी जाती है। तिस्ता, स्वर्णशिरी, मरेली, मनास, लोहित आदि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होने के कारण निचले क्षेत्र में इसका पाट चौड़ा है। तटवर्ती क्षेत्र में ही उपजाऊ मिट्टी का जमाव मिलता है। यह नदी बांग्लादेश में गंगा नदी में मिलने के पूर्व कई शाखाओं में बंटकर गंगा के साथ डेल्टा का निर्माण करती है। इसके द्वारा निर्मित मैदान में जूट, धान आदि की कृषि की जाती है। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ इसी नदी के तट पर स्थित हैं। नर्मदा एवं ताप्ती बेसिन। इस बेसिन का निर्माण एक पतली पट्टी के रूप में इन नदियों द्वारा किया गया है। ये दोनों नदियाँ एक दूसरे के समानांतर पश्चिम दिशा में सकरी भ्रंश घाटी, दरार घाटी से होकर बहती हैं। ये दोनों नदियाँ अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। जबलपुर के समीप भेड़ा घाट नामक स्थान पर नर्मदा संगमरमर की चट्टानों से होकर बहती है, जहां धुआंधार जलप्रपात बनाती है। इसके पूर्व अमरकंटक में कपिलधारा एवं दूधधारा नामक प्रपात भी नर्मदा नदी बनाती है। गोदावरी नदी बेसिन। इस बेसिन का निर्माण गोदावरी व उसकी सहायक नदियां वेनगंगा, मंजरा और पेनगंगा आदि द्वारा हुआ है। यह बेसिन कहीं सकरी तो कहीं चौड़ी है। पूर्वी घाट की ओर आंध्र प्रदेश के पोलावरम के पास यह कंदरा में होकर बहती है। इसके पश्चात नदी की चौड़ाई बढ़ जाती है। इस नदी द्वारा बाढ़ की मिट्टी का जमाव निचले क्षेत्रों में किया जाता है। काली मिट्टी के इस क्षेत्र में कपास व अन्य व्यापारिक फसलें अधिक उत्पादित की जाती हैं। कृष्णा नदी बेसिन। यह नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट से निकलकर महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में बहते हुए 1400 किलोमीटर की दूरी तय कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां तुंगभद्रा, कोयना, मेरला, पंचगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा तथा भीमा हैं। इसके जल का उपयोग सिंचाई एवं जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। कावेरी नदी बेसिन। इस नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य में कुर्ग नामक स्थान से हुआ है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमवती, शिक्षा, नोइल व काबिनी आदि हैं। इस नदी पर कई बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है, जो कृषि क्षेत्र के साथ साथ उद्योगों के विकास में भी सहायक हैं। महानदी बेसिन। इस बेसिन में महानदी और उसकी सहायक नदियां जैसे शिवनाथ, हस्तो, माण आदि प्रवाहित होती हैं। प्राचीन काल में महानदी को चित्रोत्पला, महानंदा, नीलोत्पला के नामों से भी जाना जाता था। यह नदी छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी कहलाती है। छत्तीसगढ़ के मैदान का निर्माण महानदी व उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। इस उपजाऊ मैदान में धान की फसल का उत्पादन प्रमुखता से किया जाता है। इसी कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं। यह नदी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती हुई ओडिशा राज्य में प्रवेश कर बंगाल की खाड़ी में गिरने के पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है। छत्तीसगढ़ में इस नदी पर रविशंकर सागर परियोजना, गंगरेल बांध, मोगरा व सिकासार नामक बहुउद्देशीय परियोजनाएं निर्मित हैं। छत्तीसगढ़ व ओडिशा राज्य की सीमा पर इस नदी में हीराकुंड बांध बनाया गया है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। इन परियोजनाओं से सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन
आदि का विकास किया जा रहा है। इस नदी की अवस्थिति के कारण छत्तीसगढ़ के अधिकांश उद्योगों का विकास इसके तट पर हो रहा है।